हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा फैशन हाउस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए ज्वेलरी हॉल लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मतलब ये रिकमेंड किया गया था कि ज्वेलरी हॉल लाइए आप। मोस्टली मैं हैवी नेकलेस ये सब कम वेयर करती हूँ, बस मुझे इयररिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक है। तो बट मैं आपके लिए ज्वेलरी हॉल लेके आई हूँ, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम बजट में है, एज यूजुअल जो रहता है बहुत ही कम बजट में, अंडर 300 के अंडर में बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी है। तो फर्स्ट जो ज्वेलरी है, मैंने ना बहुत ही प्यारी बैंगल इस टाइप का, ये ब्लैक मेटल का है बैंगल, तो बहुत ही प्यारा बैंगल है। इस टाइप से पूरा स्ट्रेच होने वाला है, जिसमें हल्के हल्के आधे आधे में पर्ल लगा के दिए, बाकी स्प्रिंग वाली डिटेलिंग है। साथ में दो बहुत ही अच्छी टसल्स टाइप की, इस टाइप की झूमर झुमकी वाली उन्होंने हमको दो दे रखी है, दोनों एंडिंग पॉइंट पे, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको जब मैं वेयर करती हूँ ना, इस बैंगल को, तो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये इस टाइप का है, बहुत ही प्यारा है ये भी मैंने मीशो से परचेस किया है। अब नेक्स्ट वन जो ज्वेलरी है वो मैंने कुछ, ये मैंने बहुत ही अच्छे ये इस टाइप के ब्लैक मेटल के झुमके पिक करे हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी थे, तो मैंने सोचा चलो पिक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ना, ये झुमके का साइज बहुत ही बिग साइज का है। साथ में ना इसकी डिटेलिंग की बात करें तो हमको ना बहुत ही अच्छे रियल मिरर को टक करके दिया है, मतलब चिपका के दिया है। साथ में इस टाइप की लीव्स की बहुत ही अच्छी उन्होंने डिटेलिंग को लटका के दिया है, कहीं कहीं कॉइन्स वाली डिटेलिंग है, कहीं कहीं छोटे छोटे जो पायल में पर्ल होते हैं उस टाइप का करके दिया। तो झुमका बहुत ही अच्छा है, इसको भी मैं आपको वेयर करके बताती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा था ये झुमका बहुत ही अच्छा है। पीछे से मैंने इसमें लगा भी लिया है पेज, बट आप खुद देखिए कितना हैवी झुमका है, बहुत अच्छे भी लगते हैं इस टाइप के झुमके। बट अगर आप सोच रहे हैं कि दिन भर वेयर करना है, तो ये झुमके दिन भर तो आप वेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ना ये बहुत ज़्यादा ही हैवी हैं। अगर इस टाइप की हैवी ज्वेलरी आपको शौक है तो ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसका भी स्क्रीन पर प्राइस शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा और आराम से आप परचेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन झुमके के साइड बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन कुछ इस टाइप के, ये झुमके कुछ मैंने येल्लो कलर के पिक करे। इसमें ना 7-8 कलर ऑप्शन है, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं तो कोई दूसरा भी पिक कर सकते हैं। बट ना थोड़े से ब्राइट कलर मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप किसी भी, जैसे मान लीजिए ये मैंने फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता वेयर कर रखा है, अगर इस पे भी मैं ये डालूंगी झुमका, तो बहुत अच्छे से हाईलाइट होगा। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्रिटी लग रहा है ये झुमका। तो इस झुमके की बात करें तो हमको ना पूरा ही इसमें ना इस टाइप का ना स्टोन वर्क का काम करके दिया है, साथ में येल्लो कलर को दिया है बीच में से। इसका जो झुमका है बहुत ही अच्छा येल्लो पेंट करके दिया है, कहीं कहीं व्हाइट कलर की डिटेलिंग करके दी है, और छोटे छोटे ना व्हाइट कलर के पर्ल नीचे लटका के दिए। इसका डायल बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां से हम पहनते हैं तो जिससे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये झुमका। अगर ये कलर पसंद नहीं है तो दूसरा भी पिक कर सकते हैं, बट ये मस्ट बाइंग पीस है, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल प्राइस में, तो गो फॉर इट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन ज्वेलरी के साइड। एक मैंने ना एक कुछ चोकर टाइप में पिक करा है, ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया था। तो इसकी बात करें तो इसमें ना मुझे नेकलेस विथ इयररिंग आ रहे हैं, तो ये कुछ मैंने इस टाइप का पिक किया है, आप खुद देखिए। इसमें बहुत ही प्यारा ब्लैक मेटल का मैंने ये सेट पिक करा है। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे जो दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, बारात लेके आते हैं, डोली में बैठी हुई दुल्हन, पूरा उस टाइप का है। पीछे से उन्होंने 4 चेन टाइप की करके दी गई है, जिससे क्या उसको सबको टक करके दिया है, जो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में है। पीछे से थ्रेड भी इसका इतना ब्लैक कलर का दे रखा है। अब हम इसको वेयर करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये ज्वेलरी कुछ इस टाइप की लग रही है, बहुत ही प्यारी लगती है, आपने देखा भी होगा, कई बार मैं इसको वेयर भी करती हूँ। इसमें ना हमको इयररिंग भी दे रखे, इयररिंग हमको दुल्हन वाली इस टाइप से दे रखे, जिसमें बहुत अच्छे मोती भी हैं दो, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी ब्लैक मेटल के, ये कुछ इस टाइप का, आप खुद देखिए कितने प्यारे इयररिंग लग रहे हैं, कितना प्यारा ये चोकर टाइप से लग रहा है। ये बहुत ज्यादा ही हाईलाइट भी हो रहा है, अगर आप कहीं भी इस टाइप के सूट सेट पे भी वेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। इसका ना फुल ऑन ब्लैक मेटल में आ रहे हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ मुझे प्रोवाइड हो रहा है, चुभ वुभ भी नहीं रहे, कंफर्टेबली मैं इसको वेयर कर पा रही हूँ। इयररिंग बहुत ज्यादा ही लाइट वेटेड है, अगर आप कुछ लाइट वेटेड ज्वेलरी देखना चाहते हो तो इस टाइप का पिक कर सकते हैं। देखिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही मेरे ईयर में, आराम से मैं इसको वेयर कर पा रही हूँ। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन ज्वेलरी कुछ मैंने सिंपल, बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में इस टाइप की पर्ल रेड कलर की कॉम्बिनेशन में ये पिक करी है ज्वेलरी, जो बहुत अच्छी लग रही है। ये भी चोकर
टाइप से पैटर्न है। तो इसमें भी नेकलेस विथ हमको इयररिंग आ रहा है। तो फर्स्ट हम इसके नेकलेस की बात करें, ये कुछ इस टाइप का बहुत ही प्यारा रेड कलर के पर्ल में डिटेलिंग करके दिया उन्होंने हमको, शाइनिंग वाले पर्ल हैं ये पांच लाइन में करके दिए। साथ में जो इसका डायल है बहुत ही अच्छा पिरामिड शेप का है जिसमें स्टोन लगा के दिए, साथ में बीच में उन्होंने एक रेड कलर का स्टोन लगा के दिया है, पूरा ये स्टोन वर्क करके दिया है। पीछे से थ्रेड की बात करें तो थ्रेड हमको इस टाइप की गोल्डन कलर के वायर वाला थ्रेड दे रखा है, साथ में ना उन्होंने हुक टाइप से दे रखा है। मान लीजिए ये थ्रेड अगर आपका खराब भी हो जाता है तो आप उसको आराम से ना इस टाइप से हुक दे रखा है कि आप इसको निकाल के ना चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ना हमको इयररिंग भी प्रोवाइड कर रखे हैं और इयररिंग बहुत लाइट वेटेड है। मैंने पहले भी बताया कि मुझे लाइट वेटेड इयररिंग बहुत अच्छे लगते हैं। इयररिंग कुछ इस टाइप का बहुत अच्छा लाइट वेटेड है, ज्यादा हैवी नहीं है, तामझाम वाला नहीं है। ये कुछ मैंने वेयर करके देखा तो देखिए आप कितनी प्यारी फिनिशिंग लग रही है इसकी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं भी इसको बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, बिल्कुल ही कंफर्टेबली इसको वेयर कर रखी हूँ। अगर आप कुछ लाइट टाइप का देखना चाहते हैं तो इस टाइप का ले सकते हैं। इसमें ना कई कलर ऑप्शन है बट मैंने रेड कलर को पिक करा है। इसके जो इयररिंग की बात करें, इयररिंग बहुत छोटे से बहुत ही लाइट वेटेड है। चाहे तो अकेले आप इयररिंग को भी वेयर करेंगे तो बहुत ही मस्त लगेंगे। उसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन ज्वेलरी की साइड। नेक्स्ट ये भी बहुत ही अच्छा इस टाइप के पैकेजिंग में आया था बट मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया। तो ये कुछ इस टाइप का है, बहुत ही प्यारा। ये भी ब्लैक मेटल में मैंने पिक करा है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है। तो इसकी बात करें तो हमको ना पीछे से इस टाइप की चेन दे रखी है, जालीदार चेन दे रखी है। पूरे ही नेकलेस को इस टाइप से मैंने कर रखा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं गई है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कहीं भी आप आराम से इसको पर्स वर्स में डाल के ले जा सकते हैं। साथ में ना मुझे इसकी डिटेलिंग देखिए आप फ्रंट साइड से, बहुत ही प्यारे उन्होंने रेड कलर के जो पर्ल होते हैं वो लगा के दिए जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। साथ में नीचे तीन तीन घुंघरू टाइप की डिटेलिंग करके दिए जो पायल में होती है, जिससे ये नेकलेस अगर कुछ हैवी टाइप का देखना चाहते हैं कि पूरा गला हमारा हैवी सा हो जाए तो इस टाइप का आप पिक कर सकते हैं। इसमें ना इयररिंग बहुत अच्छे आ रहे हैं, इयररिंग कुछ इस टाइप के हैं, बहुत ही प्यारे सेम जो उन्होंने हमको डिटेलिंग कर रखी है इस टाइप की पर्ल वाली डिटेल के साथ, वही ब्लैक मेटल के डिटेलिंग के साथ दे रखे, बट बहुत ही लाइट वेटेड है, ज्यादा हैवी नहीं है। ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे पहनने पे, कोई ज्यादा चुभ भी नहीं रही, कंफर्टेबली मैं इसको वेयर कर पा रही हूँ। इसके जो पर्ल है बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप इस टाइप का फुल नेक वाला कुछ देखना चाहते हो तो इस टाइप का ले सकते हैं। इसकी इयररिंग देखिए, इयररिंग मुझे लग ही नहीं रहा मैंने कुछ पहना है हैवी, बड़े बड़े जरूर दिख रहे बट बिल्कुल ही लाइट वेटेड है। अगर आप कुछ लाइट वेटेड कुछ पिक करना चाहते हो तो इस टाइप का ले सकते हैं। साथ में ना स्क्रीन पर इसका प्राइस भी शो हो रहा होगा तो आप देख लीजिए। और इनके सबके ना ट्राई ऑन हॉल मैंने कोई भी नहीं दे रखे क्योंकि सबको मैं आपको वेयर करके दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं पहनने पे, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन के साइड। नेक्स्ट वन बहुत ही प्यारी है। उसके साइड बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस दी लाइक बटन, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले। अगर आप इस टाइप के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का हॉल वीडियो आपको कैसा लगा है। और मेरे प्लीज 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 वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन के साइड। एक मैंने ना इस टाइप की पैकेजिंग में आया था ये चोकर मंगन मैंने पिक करा था और चोकर कुछ इस टाइप का निकला है, आप देखिए खुद, बहुत ही प्यारा चोकर है ये। मैं ये काफी टाइम से देख रही थी पर मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा निकलेगा। इसमें चोकर विथ ना झुमके दिए हैं बट देखिए इतने प्यारे झुमके बिग वाले दे रखे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ब्लैक मेटल का ये चोकर देखिए आप, इसकी डिटेलिंग देखिए। तो इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ब्लैक मेटल में हमें चोकर दिया है। इसमें कहीं कहीं उन्होंने ब्लैक कलर के स्टोन को टक करके दिया है। नीचे साइड पे उन्होंने दो कलर कॉम्बिनेशन में हमें पर्ल दे रखे, एक ब्लैक कलर के जो हल्का सा शाइनिंग होता है, व्हाइट कलर के छोटे वाले जो मोती होते वो करके दिए। इसमें जो उन्होंने जो बर्ड वाली डिटेलिंग पिकॉक वाली करके दी है आइड साइड जो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें पूरा ही पीछे से डोरी इतनी आ रही है, हल्की सी ये डोरी ना मुझे छोटी लगी है, थोड़ी बड़ी होना चाहिए। वैसे तो मुझे आ रहा है, मैं आराम से वेयर कर पा रही हूँ बट अगर थोड़ी और बड़ी होती है तो कंफर्टेबली हम डाल के फटाक से पहन सकते हैं, बट ये भी अच्छी है। इस चोकर की बात करें तो ये पहनने पे कुछ इस टाइप का लग रहा है,
बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप कुछ इस टाइप का छोटा सा लाइट वेटेड चोकर चाहते तो इस टाइप का कुछ ले सकते हैं। मुझे साथ में बहुत अच्छे प्यारे इसके मुझे इयररिंग लगे, इतने लाइट वेटेड है। इसमें आप सोच रहे होंगे इतने बड़े तो हैवी हो सकते, कोई भी हैवी नहीं है। बहुत ही अच्छी उन्होंने बर्ड्स की हमें डिटेलिंग करके दी है। साथ में जो नीचे वाला जो उन्होंने डायल दिया है, नीचे टाइप का जो झुमका दिया, देखिए आप उसमें ना मोती को उन्होंने पूरे को ना टक करके दिया जिससे निकलने का कोई चांस नहीं है। और झुमके में ना बहुत ही अच्छी उन्होंने पिकॉक की हमको डिटेलिंग करके दी है, जिस बहुत ही प्यारे झुमके बड़े से। अगर आप झुमका अकेला भी वेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आई होप आपको आज का ज्वेलरी हॉल बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज एक कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा। और मेरी एक इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, इस पर भी फॉलो करना ना भूले, क्योंकि इसमें कई सारे मेरे बहुत सारे अच्छे वीडियोज है, तो उनको भी फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां भी मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। आई होप आपको आज का हॉल वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।